चालू। इस लिटरेरी मीट में आप सबका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। और मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ आप सबका कि ये लिटरेरी मीट आपका प्रोग्राम है जिसको हमारे थ्रू पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम ये आपका है मगर हम आपकी जुबान बन के आए हैं। आप बहुत सुंदर तो लग रही मीरा हैं जी, जयमती। 1 मिनट चुप हो हाँ जाइए, जरा सबको म्यूट कर दें हम। बलजीत जी, सबको म्यूट पहले कर दीजिए। कर दिया जी, कर दिया। आप फिर से कर लीजिए अनम्यूट अपने आप को, आप अनम्यूट कर लीजिए। आप ये सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। और लिटरेरी मीट एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें हम अपने आप को एंजॉय भी करते हैं और सीरियस भी होते हैं, कि सीरियस प्रोग्राम भी है लेकिन हमारी आत्मा एंजॉय करती है इसको। ये हमारी सिर्फ हंसने और कहकहे लगाने का काम नहीं है इसमें, क्योंकि कभी कभी हमें अपने दिमाग का भी काम, दिल के प्रोग्राम तो बहुत से होते हैं पर ये हमारे दिमाग का प्रोग्राम है जो हमारी आत्मा को, हमारी रूह को, हमारी जिंदगी को एक तरह से हमारा पालन पोषण करती है, हमें गुजा देता है। तो उसमें मैं अपने इस बार से आपने एक चेंज आप देखेंगे इस प्रोग्राम में कि हमने बजाय चार के, क्योंकि चार को जब हम लेते थे तो टाइम पूरा नहीं पड़ता था, लोगों को ये तकलीफ होती थी कि हम पूरी तरह से बोल नहीं पाते, तो हमने ऑडियंस की फीलिंग्स को सामने रख के अभी तीन पार्टिसिपेंट कर दिए हैं और तीनों को बजाय 10-11 मिनट के हमने 15 मिनट दे दिया है। और 15 मिनट में ये लोग बोलेंगे और बाद में जो टाइम बचेगा उसको मैं अपनी बकबक में नहीं जाया करूंगी, क्योंकि मैं तो बहुत बकबक करती हूँ ना, इसलिए मैं अपनी बकबक में नहीं वेस्ट करूंगी, बल्कि मैं आप लोगों को टाइम दूंगी कि अगर उन लोगों से जो पार्टिसिपेंट हैं, जिन्होंने जिनके बारे में बोला है, उनसे कुछ और सवाल पूछना चाहें, कुछ उनका और आप चाहें जो आपके समझ में नहीं आया तो वो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो 10 मिनट तो आप बचेंगे मेरा जहां तक ख्याल है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि हमारा ये सफल हुआ हमारा ये कोशिश, तो हम अगले महीने भी इसी को करेंगे, और अगर ये कोशिश सफल नहीं हुई तो फिर से हम वापस अपने उसी रास्ते पे चले जाएंगे। और बस उसके बाद जो कुछ कहना होगा हम बाद में कहेंगे। और मैं इसमें आज हमारा जो पार्ट लेने वाले लोग हैं, कमल जी हैं, कृष्ण मल्होत्रा जी हैं और ललित, डॉक्टर ललित जी हैं, ये तीनों आपके सामने आएंगे और अपना अपना टॉक देंगे। तो सबसे पहले तो मैं कमल जी को बुलाना चाहूंगी जो कि डॉक्टर भी हैं और लिटरेचर में भी उनको बहुत दिलचस्पी है, और वो आज सुमित्रानंद पंत के ऊपर हमें टॉक देने वाली है। सुमित्रानंद पंत हिंदी के वो कवि हैं कि जिन्होंने 20वीं सदी के बहुत मशहूर और लोकप्रिय कवियों में से एक हैं। ये वो कवि हैं जिन्होंने ब्रिटिश राज भी देखा है और स्वतंत्र भारत भी देखा है। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और इनकी मृत्यु के बाद एक पोस्ट डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने एक पोस्ट टिकट भी जारी किया था। मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि मैं तो बोलूंगी नहीं, अब मैं बिल्कुल चुप होकर टेप लगा के बैठ जाऊंगी और कमल जी को मैं कहूंगी कि वो आके बताएं सुमित्रानंद पंत के बारे में क्या बताना चाहती हैं। मेरे मुंह पे है टेप। सबको मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल और हरिओम, राम राम। तो मित्रों, आज जो है मैं सबसे पहले जेबा जी का, योगेंद्र जी का और बाकी जो मेरे को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं और इतनी पेशेंस है उनमें, तो मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ जो श्रोतागण हैं। और जो मैं हिंदी में बोलूंगी क्योंकि पंत जी सब आप जानते हैं हिंदी साहित्य के बहुत बड़े स्तंभ हैं। तीन स्तंभों में से ब्रह्मा विष्णु महेश, जयशंकर प्रसाद निराला और सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं ये विष्णु के नाम से प्रसिद्ध हैं। चौथा स्तंभ जो थी महादेवी वर्मा थी, उनको शक्ति कहा था। तो मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे ये कहने को मिला है। तो वैसे मैंने नैनीताल में 4 साल ताए हैं, मैंने अपनी ग्रेजुएशन नैनीताल में ही की, तो मुझे ऐसी जगहों से बहुत प्यार है और खास तौर से नैनीताल से। तो मुझे लगता है जेवा जी आज बहुत है यहाँ पर, तो तरफ गर्मी है, तो चलिए मित्रों क्यों ना आज हम
हिमालय की गोद में सुंदर वादियों में कौसानी नाम के गांव चलते हैं, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, और जहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। वहाँ झरनों का झरझर बहता पानी, पक्षियों पशुओं की कलरव और पत्तों की झरझराहट और बर्फ से आच्छादित, हिम आच्छादित पहाड़ देखकर किसका मन कवि रूप में परिवर्तित नहीं हो जाएगा। तो आज हम आपको, अब आप ये कहेंगे कौसानी ही क्यों जा रहे हैं, कौसानी इसलिए जा रहे हैं वहां पर हमारे प्रिय कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था, जिनके बिना हिंदी साहित्य कभी पैदा ही नहीं होता। तो योगेंद्र जी, आप वो एक फोटो दिखा दे 2 मिनट के लिए, जिससे जरूर पता चल जाए कि कैसी शक्ल थी उनकी और कैसे थे। तो इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, चितेरा कवि भी कहा जाता है, बिकॉज ये, हाँ जी, ये, हाँ ये है हमारे सुमित्रा नंदन पंत। मेरे को लगता है कि अगर जवानी में कोई इनको देख लेता, लड़की ही होती, इन्होंने जिंदगी भर शादी नहीं की और अविवाहित ही रहे, पर मुझे लगता है कि इतना सुंदर व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का धनी आदमी कैसे अविवाहित रह सकता है। आई डोंट नो, मैं पैदा नहीं हुई थी, नहीं तो मैं ही पकड़ लेती। वैसे तो वैसे वाजपेयी भी बहुत देखने में सुंदर थे, वो भी अविवाहित थे। पर देखिए ना, सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी लटे ऐसी क्यों बनाई थी। एक बार उन्होंने नेपोलियन की फोटो देख ली थी, नहीं थॉट कि मैं जो है ऐसे ही अपने बाल बनाऊंगा, और जिंदगी भर वो ऐसे ही बालों के साथ रहे। और क्योंकि वो प्रकृति की गोद में कौसानी जैसा, जो कि धरती का स्वर्ग है, जगह पैदा हुए थे, तो उनके नस नस में कविता जो है बसी हुई है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म जो हुआ था वो कौसानी, अल्मोड़ा के कौसानी गांव में मई 1900 को हुआ था, और उनकी मृत्यु हुई थी दिसंबर 1977। तो 20th मई है और इधर शायद दिसंबर में 20th दिसंबर और कुछ है। तो इनके जो अच्छे परिवार में ये पैदा हुए थे, इनके फादर का जो था वो चाय बागान में मैनेजर थे और लकड़ी का बिजनेस भी था इनके घर का। तो इनके फादर का नाम था गंगाधर, और मदर का नाम था सरस्वती देवी। ये अपने माता पिता की 7वीं संतान थे। और कुछ ऐसा इनके साथ हुआ कि इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता जी की मृत्यु हो गई। तो ये छोटा सा बच्चा दादी ने बड़ा किया, दादी ने पाला, और क्योंकि कौसानी इतनी सुंदर जगह है, प्रकृति के अंदर ये पले बड़े हुए, उन्होंने चारों ओर अपने सुंदर वातावरण देखा, प्रकृति देखी, पत्ते देखे, फूल देखे, तो इनके अंदर का कवि जाग उठा। फिर ये जिंदगी भर के लिए कवि बन के रह गए, और इनको छायावाद का बहुत बड़ा कवि माना जाता है। इनके बिना हिंदी साहित्य अधूरा है। तो इनके फादर का नाम गंगाधर था, माता जी का नाम सरस्वती देवी था। जब ये पैदा हुए तो इनका नाम साई दत्त रखा गया, लेकिन बड़े होने पर उनको ये नाम पसंद नहीं आया, तो उन्होंने अपना नाम जो है बदल कर सुमित्रा नंद पंत कर दिया। ये पंडित परिवार से थे और अच्छा घर, अच्छे लोग, खाते पीते घर के अच्छे लोग, तो उस बात की तो इनको कभी तकलीफ नहीं हुई। तो प्रकृति की गोद में खेलते खेलते ये बड़े हुए, ये प्रकृति को ही अपनी माँ मानते हैं कि मेरी माता जो है वो प्रकृति है। उस पर इन्होंने 4 लाइनें कविता भी लिखी है। क्योंकि समय बहुत कम है, मैं जल्दी बोलना चाहती हूँ। तो पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो कौसानी और अल्मोड़ा के बीच में हुई, 10वीं उन्होंने पास किया। के बाद वो अपने बड़े भाई के पास बनारस चले गए, वहां उन्होंने क्वींस कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन उनका मन नहीं लगा। वहां से वो जो है इलाहाबाद अपने मंझले भाई के पास आ गए, वहां पर इन्होंने मेयो कॉलेज में एडमिशन लिया बीए पास, स्नातकोत्तर पास करने के लिए। लेकिन फिर ये महर्षि अरविंद के कांटेक्ट में आए, उनकी इन्होंने डिवाइन लाइफ जो है वो पढ़ी, तो ये
फॉलो करने लगे। फिर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया, तो इनका इन्होंने कभी बीए की डिग्री हासिल नहीं की, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और बंगला में इन्होंने चारों भाषाओं पर अपना पूरा आधिपत्य जमाया और उनको इन्होंने खूब अच्छे से उसका सीखे और उसके ऊपर इन्होंने काम किया। अब क्योंकि इलाहाबाद में आ गए थे तो इलाहाबाद में गंगा होने से इनसे बहुत प्यार हुआ, तो हमेशा गंगा के किनारे नौका विहार ये सब बहुत करते थे। अब देखते हैं कि इनके पुराने घर का क्या हुआ, ये तो फिर इलाहाबाद में ही इनकी मृत्यु। तो इनका पुराना जो घर था कौसानी में, अच्छा घर था, उसको अब म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया गया है और उसका नाम रखा गया है सुमित्रा नंदन पंत गीतिका। तो उस वहां अगर आप जाएं तो इनके सारे प्रकाशन, पुस्तकें, सब कुछ आपको मिलेगा। इनके कपड़े कैसे रहते थे, क्या करते थे, वो सब, इनकी लेखनी, सब कुछ आपको मिलेगा वहां पर। कुछ पैसे देकर इनकी कृतित्व, पंत व्यक्तित्व कृतित्व की एक कोई किताब मिलती है जिसमें वहां का सारा वर्णन। उसी तरह से इलाहाबाद में एक हाथी पार्क है जिसका नाम बदल के मित्रानंदन पंत बाल उद्यान रख दिया गया। तो इस तरीके से इनका जो है ये सब चलता रहा। तो ये कभी भी बीए नहीं कर पाए, लेकिन अपना पढ़ाई वगैरह में इनका जो ध्यान था वो लगा रहा और गांधी जी के साथ जुड़ गए। गांधी जी के ऊपर इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं जो दो खंड में हैं और 7 अध्याय हैं कुछ ऐसा है इनका। तो गांधी जी के साथ ये काफी असहयोग आंदोलन में ये जुड़े रहे। फिर जो है इनको इस युग का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। जैसे वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति के साथ कविताएं लिखी है, इनका भी जो है कविताओं से बहुत प्रेम था और बहुत कविताएं और कुछ कहानियां, उपन्यास, गद्य और पद्य दोनों पर इनका बहुत अधिकार, आधिपत्य। लेकिन प्रकृति से इनको बहुत प्यार था, तो जो कुछ लिखा इन्होंने प्रकृति के ऊपर लिखा। और इन्होंने अमूर्त का रूप, आप समझिए कि जैसे पेड़ पौधे नदी जल, इसको उन्होंने मानव की तुलना की उससे, तो इसीलिए इनको छायावाद का बहुत अच्छा कवि माना जाता है। तो इस तरीके से ये अपना जीवन आगे बढ़ाते रहे। फिर इनकी जो रचनाएं थी वो मैं आपको बताती हूँ। और इन्होंने जो है महर्षि अरविंद के ऊपर जो डिवाइन लाइफ थी वो इन्होंने पढ़ी और उससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इन्होंने एक नरेंद्र शर्मा जी के साथ मिलके एक पत्रिका पेपर भी निकाला जिसका रूपाप था और इन्होंने आकाशवाणी में भी काम किया संपादक के रूप। तो इनको कविता प्रकृति का सुकुमार और चितेरा कवि कहा जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि शक्ल से ही भोलापन झलकता है और चितेरा कवि क्योंकि प्रकृति से बहुत ज्यादा सानिग्ध था उनका, तो इस तरीके से प्रकृति के प्यार से उनको चितेरा कवि भी कहा जाता। उनकी प्रथम रचना थी गिरजे का घंटा। वैसे उन्होंने 7 साल से ही लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन 1916 से 1977 तक पूरी तरह लेखनी ही अपनी पकड़े रहे और उसमें तीन रहे। तो 16 साल से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और उन्होंने अपना नाम भी बदल के, इंडिपेंडेंट डिसीजन था उनका कि मैं अपना नाम साईं दत्त नहीं रखूंगा, सुमित्रा नंदन पंत रखूंगा। तो इतने इंडिपेंडेंट बचपन से ही। तो उनकी प्रथम रचना थी गिरजे का घंटा 1916 में ये उनकी आई थी। फिर छायावाद, उच्छ्वास और छायावाद का जो अंत हुआ, अंत में जो इन्होंने लिखी वो इनकी युगांत थी। आत्मकथा जो इन्होंने लिखी उसका नाम था 60 वर्ष 1 रेखांकन 1960 में लिखी गई। और उपन्यास एक ही लिखा इन्होंने, हार कहानी कानवाला। छायावाद का मैनिफेस्टो जो था वो पल्लव। अंतिम घोषणा पत्र जो अंतिम मैनिफेस्टो था वो था युगांत जो 1936 में था।
और छायावाद की कविता उच्छ्वास बहुत मशहूर हुई, 1920 में लिखी गई। और इनके काल को हम जो है तीन उसमें बांट सकते हैं, चार उसमें बांट सकते हैं, छायावाद, प्रगतिवाद, देन मानवतावाद और अंतेश चिंतुवाद। तो इस तरीके से इनके रचनाओं को उसमें बांटा गया। बाकी जो इन्होंने रचनाएं लिखी वो है, मैं आप सबके सन वगैरह नहीं बताऊंगी बिकॉज टाइम बहुत कम है, वीणा रश्मि बंद, कला, बूढ़ा चांद, जुगान, पथ, युगवाणी, पल्लव, पल्लवनी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, गुंजन, ग्राम्या, उत्तरा, ग्रंथी और उत्तरा। और ये ग्राम्या जो है ये इनको औरतों से कोई बहुत ज्यादा मोह नहीं था, लेकिन कविताएं ये दर्शाती हैं कि इन्होंने औरतों को भी पूरा स्थान दिया अपनी कविताओं में। और अदरवाइज ऑल्सो वो कहते हैं एक नारी आती है तो घर परिपूर्ण जाता जबकि एक आदमी उसको पूरा नहीं करता, तो ये भी इनकी कविताओं में झलक दिखाई देती है। देन लोकायतन बहुत अच्छा संग्रह है इनका, जिसमें मैं अभी इनके पुरस्कार बताऊंगी, उसमें इनको रशियन आदमी का पुरस्कार मिला हुआ है। सत्यकाम, उच्छ्वास, तारापद, चितम्बरा महाकाव्य है इनका, चिदम्बरा पर जो है हिंदी साहित्य अकादमी का 10,000 रुपए शायद पुरस्कार मिला था, उस समय 10,000 की बहुत ज्यादा होती। चिदम्बरा, चींटी, पतझर, इस तरीके से बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं कि अगर हम रचना गिनने बैठे तो काफी समय उसमें निकल जाएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ इनके पुरस्कार इनको क्या क्या मिले। इनका पुरस्कार इनको भारतीय ज्ञानपीठ का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ का जो था वो चिदम्बरा के ऊपर 1968 में मिला था। चिदम्बरा इनका महाकाव्य है जो है बहुत सारी कविताओं। दूसरा इनको मिला सोवियत भूमि पुरस्कार, ये इनको सोवियत उससे मिला था, सोवियत लैंड इसको कहते हैं, ये इनको मिला लोकायतन 1964 में। ये भी एक विशाल महाकाव्य है, इन्होंने अपनी कविताओं को संग्रह बनाए तो इनके वो महाकाव्य बन गए। तो और साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी इनको मिला, जो कला और घूड़ा चांद इसका नाम था जिस पर इनको मिला वो 1960 में मिला। फिर हमारी भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण दिया 1961 में। तो देखिए इनके पुरस्कारों की लिस्ट देखिए, फिर भारत सरकार ने इनकी उसके ऊपर जो है एक डाक टिकट जारी किया, जो कि मैंने अभी आपको फोटो दिखाई थी, वो 2015 में पंत जी के साथ 5 रुपए का डाक टिकट समय जारी किया गया। अभी 1938 में नरेंद्र शर्मा के साथ प्रगतिशाली पत्रिका रूपाव का संपादन इन्होंने किया। पंत जी ने साहित्यकों की सहायता के लिए कोई मतलब, ये कवि लोग इनके नाम तो बहुत हो जाते थे लेकिन जब ये अपने ढलते हुए संध्या के क्षणों में आते थे तो कोई इनको जानता नहीं था, लोग भूल जाते थे। तो इन्होंने उसका क्या किया, पंत जी ने साहित्यकों की सहायता के हेतु साहित्य संसद की नींव डाली, जिससे कि लोग अपने साहित्यकारों को कभी भूले ना, जिन्होंने इतना योगदान दिया है भारत के साहित्य कला में, उनको लोग कभी भूले ना। और इलाहाबाद आकाशवाणी में सलाहकार की इन्होंने की, कवि, लेखन और अध्यापक भी ये थे। 1950 से 1957 तक इन्होंने यही कवि, लेखन और अध्यापक का काम किया। इनका मैं आपको बताती हूँ जो इन्होंने नारी के लिए लिखा है कि ऐसा नहीं है कि कमल जी आपका बस 1 मिनट और बाकी रह गया है। 15 मिनट हो गए सेवा जी। वीना जी आप बता दीजिए एग्जैक्ट टाइम। 14 मिनट हो गए आपके ज्यादा हो गए जी, 25 मिनट हो गए आपके। अरे बापरे, अच्छा चलिए तो मैं ये सब छोड़ती हूँ। मैं एक आध उनकी कविता बताना चाहती हूँ, जैसे चिर सुख और दुख। देखिए कितना अच्छा उन्होंने लिखा है, मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख,
सुख दुख की खेल मिचौनी, बोले जीवन अपना मुख, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। देखिए इनकी कविताएं तो बहुत सारी हैं और मैंने मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी जितना बोलने में ही मेरा टाइम निकल गया, लेकिन कविताएं तो इतनी सुंदर हैं कि जितना आप पढ़ते जाइए बोलते जाइए। इनकी नौका विहार, एक तारा, देखिए ग्राम युवती के लिए इन्होंने क्या लिखा, मैं अब इसका विश्लेषण नहीं करूंगी क्योंकि टाइम नहीं है। उन्मत यौवन से उभर, घटासी नव, असाढ़ी सी सुंदर, अति श्याम वरण, चले मंद चरण, इठलाती आती ग्राम युवती, वह गजगति सर्प डगर पर, सरकाती पट खिसकाती लट, वह निमित दृष्टि से देख, कुजों के युग घट, हस्ती खलखल अबला चाला, आती है ये ग्राम युवती। तो इस तरीके से इनकी मैं आपको थोड़ा टाइम काफी हो गया। अच्छा एक तारा तो कर दीजिए ये ना। अच्छा चलिए छोड़िए, कविताएं तो इतनी सुंदर है, मुझे नहीं मालूम था इनको अगर हम करने बैठे तो 15 दिन क्या 15 साल भी कम पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर समाप्त करने के उसमें आती हूँ। तो देखिए मैंने भी उनकी तरह जिस तरह से वो अलंकार वगैरह बहुत इस्तेमाल करते थे, तो मैंने भी 15 साल कह के अतिशयोक्ति अलंकार को यूज किया है। तो इनकी रचनाएं तो इतना मजा आता है कि मुझे लगता है एक सेशन में सिर्फ इनका विश्लेषण हो और इनकी रचनाएं पढ़ी जाए। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत, मुझे समय दिया लेकिन मेरी कविताएं रह गई। आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से कहा, ऐसा लग रहा था कि हम कहीं बैठे हैं ये बात खत्म ही ना हो, इतना हम लोग आपके बात में खो बैठे, ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आप हम बातें कर रहे हैं। और मैं तो लगता है अभी इंटरनेट पे जाके इनकी किताबें निकाल के पढ़ना शुरू कर दूंगी, लेकिन क्या करें हमारी मजबूरी है, टाइम हमारे पास कम होता है, लिमिटेड टाइम। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, और मुझे टॉयलेट किया, फिर कभी मौका मिला तो सिर्फ फिर मैं आपको बुलाऊंगी, फिर मैं बुलाऊंगी, अगर अगर ये प्रोग्राम आगे बढ़ा तो जरूर हम बुलाएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी मैं बुलाना चाहूंगी हमारे दूसरे जो पार्टिसिपेंट हैं, कृष्ण मल्होत्रा जी, ये खुशवंत सिंह को लेके आ रहे हैं। खुशवंत सिंह अगर आज जिंदा होते तो मैं उनको अपने प्रोग्राम, अभी तो मैं जवान हूँ, मैं जरूर बुलाती, क्योंकि वो 99 ईयर के होके डेथ हुई उनकी, लेकिन डेथ बेड पे भी वो इतने खुश मिजाज थे, इतने चंचल थे, इतने विटी थे कि लोगों को उनसे बातें करने में बड़ा मजा आता था। मगर और हम कह सकते हैं कि वो जवान बुढ़े थे, बुढ़े नहीं रहे जवान, मगर 99 इयर्स के होके दुनिया से गए। तो मैं अभी ज्यादा नहीं कुछ बताऊंगी उनके बारे में, क्योंकि फिर मल्होत्रा जी को क्या बताना ज्यादा अच्छा लगेगा अगर वो हमको बताएंगे, तो मैं मल्होत्रा जी को दावत दूंगी कि मल्होत्रा जी आइए और उनके बारे में हमको कुछ बताइए, खुशवंत सिंह क्या थे, कैसे थे, और इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने अपनी क्या जगह बनाई, ये आप हमको बताइए। थैंक यू जेबा जी, मेरा सबको नमस्कार आदाब। मैं शुरू करता हूँ। Why am I an Indian? I didn't have any choice. My head tells me to live abroad. My belly tells me it is more fulfilling to be in foreign. My heart tells me to get back to India. I do not like it, but I love it. Who could have said these words so blunt, courageous, true Indian, except Khushwant Singh, a fearless Sikh, a diplomat, and a scholar. Khushwant Singh, a great, accomplished human being like Lata Mangeshkar and Noor Jahan, belonged to the whole world and not just one continent. His literary life started in Kasauli, a hill resort in the midst of serenity and beauty of nature, quite similar to the Wordsworth's romanticism in English poetry written in the lap of nature. Ghazab ki baat to ye hai ki likha to sari umar English mein inhone, par inke chahne walon mein
हिंदी पढ़ने वालों की तादाद कई गुना है। हराली नाम के एक छोटे से गांव में सिख घराने में पैदा हुआ ये हीरा साथ लाया अपने कमाल की जिंदगी और अलग ही तरह की पर्सनैलिटी। शुरू से ही पैदा होते दादी ने नाम रखा खुशहाल सिंह, स्कूल में जाकर अपना नामकरण खुद ही किया, नाम रखा खुशवंत सिंह, राइमिंग विद हिज एल्डर ब्रदर्स नेम भगवंत सिंह। ही क्लेम्ड द नेम वॉज सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड एंड मीनिंगलेस। नाउ आई विल आस्क ऑल ऑफ यू, हैव यू एवर कम अक्रॉस एनीबडी हु हैज डन हिज ओन नामकरण इन चाइल्डहुड? सुमित्रानंदन पंत जी, मैंने अभी बोला है। वेल, इसी तरह स्कूल के एडमिशन के टाइम में फादर ने इनका जन्मदिन 2 फरवरी 1915 लिखा। जब बाद में एक दिन अपना बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे तो इनकी दादी के ये कहने पर कि ये तो भादो मास में पैदा हुआ था विच फॉल्स इन ऑगस्ट, इन्होंने खुद ही अपना डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1915 कर दिया, खुद ही अपना डेट ऑफ बर्थ भी सेट किया। ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला बच्चा बहुत कम देखने को मिलता है। ही बिलोंग टू ए वेल्दी एंड वेल नोन फैमिली। हिज फादर सरसोबा सिंह वॉज ए प्रोमिनेंट बिल्डर ऑफ लुटियंस दिल्ली। आजकल जो हम राष्ट्रपति भवन नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक दिल्ली में देखते हैं वो एक जमाने में जंगल हुआ करता था, जिसको ये मेजेस्टिक रूप इनके फादर सोवा सिंह जी ने दिया था। खुशवंत वॉज एजुकेटेड फॉर स्कूलिंग इन मॉडर्न स्कूल दिल्ली, आफ्टर दैट ग्रेजुएटेड फ्रॉम लाहौर एंड completed his LLB from King's College, London. When in London, he met Kawal Malik, who was his school junior and got married to her in the year 1939. Khushwant Singh led a very disciplined life. He used to get up early morning 4 o'clock, not for any prayers. He was agnostic. He did not believe in the existence of God. In his own words, if there was God, there wouldn't be floods, tsunamis, or epidemics which cause mass scale death and destruction. His days used to end at 7 p.m., but he used to have his drinks every evening. He loved premium Scotch whiskey. As per him, drinking is not a vice, drunkenness is. Log unko sharabi kababi auraton ke chakkar mein rehta hai kehte the, but ye to unka sirf bahari roop tha. Darasal, he was a thorough gentleman. He loved Urdu and Urdu poetry. He translated Rajendra Singh Bedi's Urdu novel Ek Chadar Maili Si into I Will Take This Woman in English. He also translated celebrated poet, Urdu poet Iqbal's 2 poems, Shikwa and Jawab-e Shikwa, into English. An oft-quoted couplet of Iqbal goes like this: Khudi ko kar buland itna, Khudi ko kar buland itna, ke har takdeer se pehle, Khuda bande se khud poochhe bata, teri raza kya hai? He had no interest in movies, in watching full movies. He says, actors do not matter. I can't avoid
seeing them in the newspapers. He held Shabana Azmi and Naziruddin Shah, their simplicity and true to life, forceful acting close to his heart. He was a kind-hearted person. अपनी किताबों की तमाम रॉयल्टी चैरिटी में दे देते थे. He won many honors and awards, including Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Punjab Ratan, Sahitya Academy Fellowship, and nomination to Rajya Sabha, the upper house of Parliament of India. After a few years of legal practice in Lahore High Court and short stints as a diplomat and as a journalist in All India Radio, etc., he adopted creative writing as, which was his real passion, as his profession, regular profession. With publication of his first book, The Mark of Vishnu and Other Stories, and later, the very first award-winning novel of his, the very first novel of his that won him an award, Train to Pakistan, he shot to fame. He distinguished himself later as editor of the Illustrated Weekly of India at Bombay. The magazine became India's preeminent news weekly and established him as a light writer. He created bullshit into art form and became a big household name. During his tenure, weekly circulation jumped from 65,000 to 450,000. He was the only journalist from India who witnessed the execution by hanging of Zulfikar Ali Bhutto, the ex-premier of Pakistan, in 1979 in Islamabad. Again, as editor of Hindustan Times, his weekly column with malice towards one and all, which he continued to write even after retiring from Hindustan Times, was the most widely read and liked one. The column used to be full of satire, dry wit, and humor. Singh says, "I enjoy provoking my countrymen. I do not hesitate to write rubbish as that is published." He was so blunt that he did not hesitate calling Indira Gandhi a very dignified personality, but a Gungi Gudiya, a deaf doll. Gungi Gudiya. And a village mother-in-law for Menaka. He labeled Sanjay Gandhi as a lovable rascal. Once Karan Thapar, in an interview, asked him, "Are you a man of all seasons or a jack of all trades?" See the witty reply that Khushwant Singh gave. "I am a dirty old man of Delhi. I have written about women, sex, nature, and flirtation." He says, as a man gets older, his sex instinct travels from his middle to his head. He very often used to end his columns with a Santa Banta joke. Once, a Sardar Shiromani asked him to stop writing Santa Banta jokes, to which he replied in a postcard, "Go to hell." A notice outside his house is an example of the acid wit of Khushwant Singh. "Please do not ring the bell unless you are expected." Agar koi aa jata to ye poochte, "Kya tum English nahi jante ho?" He says, "At my age, I can afford to be cranky and rude." Khushwant Singh was a master craftsman of his art.
as India's best known journalist and syndicated columnist, he is admired and lambasted in equal measure. This is so because of his irreverent and controversial views. However, even his staunchest critics agree that he is eminently readable. His pen was quite active all through his life. He wrote almost 80 books, including short stories and novels. He also wrote his own epitaphs well before his death. Kisi aur lekhak ne aisa nahi kiya hoga shayad. Here lies one who spared neither man nor God. Waste not your tears on him. He was a sword. Writing nasty things, he regarded as great fun. Thank the Lord, he is dead, this son of a gun. He was busy solving a crossword puzzle when he died a natural death on 20th of March in 2014 at a ripe age of 99 years, lived gloriously. As per his own wishes, he was cremated and a part of his ashes are buried in the school compound at Hadari, the village of his birth, under a plaque with the inscription in memory of Khushwant Singh, 1915-2014, a Sikh, a scholar, and a son of Hadali, Punjab. This is where my roots are. I have nurtured them with tears of nostalgia. Before I end, a short summary of a few of his classic works. To start with, his very first story that got published, The Mark of Vishnu. The author pinpoints how the ignorant and superstitious beliefs wala andhvishwasi, अंधविश्वास करने वाला, अंधविश्वास करने वाला नौकर गंगाराम, जिस काले नाक के लिए हर रोज दूध की कटोरी भरकर रखता था और उसे पूजनीय मानता था, वही काला नाक उसको काटता है और उसके जीवन का खात्मा कर देता है। खुशवंत सिंह ने ऐसे अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई है। इन द नेक्स्ट वन is the portrait of a lady, a short summary. The subject of this story is from day-to-day's life. The classic story is about the association between Khushwant Singh and his grandmother during three phases of his life. In the first phase, when they are in the village, the grandmother is a constant companion of the little Khushwant, from preparing him in the morning for school, taking him there, bringing him back, teaching, feeding, playing with him, and inculcating cultural values till putting him to sleep at night. If we grandparents look into our life history with our little grandchildren, the similarity would be quite striking. Krishan ji, thoda wrap up kar dijiye. Thoda short kar dijiye. Yes, in the second phase, when they shift to the city, the child goes to the English medium school. She cannot teach him. Now their association gets limited to just sharing a room. Dadi hamesha apne ko busy rakhti hai, silent prayer, charkha kaatne, aur chidiyon ko aangan mein roti dana dalne mein. That was probably her happiest hour when she was in with the sparrows. In the third phase, author goes to boarding in the university. Thus, the common link between them of sharing a room also gets snapped. Dadi ke saath association khatam. To wo akeli apne aap ko charkha kaatne, puja paath karne aur akeli roti dana dalne chidiyon ko usme bitati hai. Khushwant London jaate waqt sochta hai kya dadi wapas aane par rahegi ya nahi. Lekin उसकी वापसी पर दादी जीवित है
और खुशियां मनाती है और थोड़े दिनों में मर जाती है। उसकी सहेली चिड़िया उसकी बॉडी के चारों तरफ इकट्ठी होती हैं, दाना रोटी की तरफ शायद दुख के कारण देखती तक नहीं, और दादी की अर्थी उठते साथ ही उड़कर चली जाती है। द ऑथर वॉन्ट्स टू शो द इमोशनल अटैचमेंट ऑफ द बर्ड्स टू द ओल्ड लेडी। नाउ ट्रेन टू पाकिस्तान हाफ ए मिनट एंड फेम विच गेव नेम एंड फेम टू खुशवंत सिंह। दिस वॉज लेटर मेड इन टू अ मूवी, शायद हमने देखी हो, किस तरह इंडिया पार्टीशन के टाइम में हिंदू मुस्लिम की आपसी जानलेवा एनमिटी कैसा जीता जागता चित्रण किया है। ये तो नॉवल पढ़ने पर ही पता चलेगा। कहानी शुरू होती है मनोमाजरा गांव के मनी लैंडर लाला रामलाल के मर्डर के साथ। कहानी के मिडल में शॉर्ट कर दीजिए, वाइन मेमन और सेक्स लाकर उसे कैची बना दिया है, और क्लाइमेक्स द स्टोरी क्लाइमेक्स में दिखाया है कि कैसे काइंड हार्टेड जुगा अपनी जान देकर मुस्लिम रिफ्यूजीज की ट्रेन को बचाता है, और यहाँ पर घनी बारिश के दौरान ट्रेन को पाकिस्तान जाना थॉमस हार्डी के नेचर के डिस्क्रिप्शन के साथ मिलता जुलता है। तो ये थी कहानी जो सारे जीवन मस्त और व्यस्त रहे खुशवंत सिंह के जीवन की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मल्होत्रा जी, थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी खूबसूरती से हमें खुशवंत साहब से मिलवा दिया, खुशवंत सिंह से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी को अच्छा राइटर बनना है तो उसको किसी हिल स्टेशन पे पैदा होना चाहिए, क्योंकि कमल ने भी यही बताया, आपने भी यही बताया कि हिल स्टेशन पे पैदा हो रही थे इसलिए वो इतने अच्छे राइटर थे। और मुझे याद है जब हम भी पूरे वीक हम वेट किया करते थे मैगजीन का उनके, ताकि हमें वो कॉलम पढ़ने को मिले जिसमें वो इतनी अच्छी तरह से विटी अंदाज में वो कॉलम लिखा करते थे। वो आज भी हमें याद है वो कॉलम, और बहुत पॉपुलर था। और जिस जमाने में लव सेक्स कहना गुनाह समझा जाता था, कि लोग कोई ये कह दे कि सेक्स, तो वो कहता अरे बाप रे तुम क्या बोल रही हो, कौन सी गंदी बात मुंह से निकाली, गाली समझा जाता था सेक्स कहना। उस वक्त में वो खुल खुल के सब बातें लिखते थे, तो वाकई उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर ललित जी को, डॉक्टर ललित को, कि वो आए और हमारे सामने एक गुजराती राइटर, जो गुजराती भाषा के लिटरेचर के बहुत इम्पोर्टेंट राइटर रमनलाल वसंतलाल देसाई के बारे में बताएं। हालांकि मुझे खुद वो ये राइटर बहुत पसंद है, हालांकि मुझे गुजराती नहीं आती है, मगर फिर भी मैं उनकी किताबें शौक से पढ़ लेती हूँ। और मगर मैं कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, उनको भी टाइम मिलना चाहिए और हमारा टाइम आगे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आइए डॉक्टर साहब, हमें बताइए कुछ कि क्या आप हमें देसाई जी के बारे में बताना चाहेंगे। सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार, आपका वेलकम, थैंक यू वेरी मच। और भेबा जी और भाई पी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, आपका शुक्रिया कि आप हमको नॉलेज देने के लिए आ गए। एट आउटसेट आई वुड लाइक टू बेग योर पार्डन, यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी माय। इज ओके, डोंट वरी, यू आर वेरी गुड। गुजराती गद्य साहित्य के नवमंडल में कई सितारे हैं, जैसे कि कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, धूमकेतु, पन्नालाल पटेल, ईश्वर पेटलीकर, जयरचंद मेघाणी, उमाशंकर जोशी, गोवर्धन राम माधवराव त्रिपाठी, रमनलाल वसंतलाल देसाई, ज्योतिन्द्र दवे इत्यादि। इन सभी सितारों में से गुजराती साहित्य में युगमूर्ति वार्ताकार नाम से प्रसिद्ध साहित्यकार रमनलाल वसंतलाल देसाई के जीवन और कवन के बारे में कुछ बातें करेंगे। उनकी आपको तस्वीर दिखाऊं, ये है रमनलाल वसंतलाल देसाई। वेरी स्मार्ट। रमनलाल वसंतलाल देसाई गुजराती भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। गांधी युग के वे प्रथम पंक्ति के साहित्यकार हैं। साहित्य सौष्ठव और लोकप्रियता की दृष्टि से गुजरात के वार्ताकारों में उनका स्थान कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के बाद सर्वप्रथम है। वे अनेक भाषाओं के विद्वान, लोकमर्मज्ञ तथा समाज के अनेक क्षेत्रों में योगदान के लिए विख्यात हैं।
उनके अनेक नाटक, उपन्यास, कहानियां, काव्य संग्रह और यात्रा संस्मरण प्रकाशित हुए हैं। गुजराती साहित्य जगत में वो राव देसाई के नाम से प्रसिद्ध इस सर्जक का जन्म 12 मई 1892 में वडोदरा जिले के शिनोर गांव में नागर परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम वसंतलाल और माताजी का नाम मणिबा था। उनके पिताजी देशभक्त नामक गुजराती साप्ताहिक के तंत्री और नूतन विलास प्रिंटिंग प्रेस के व्यवस्थापक थे। माताजी धर्म कर्म में आस्था रखने वाली थी और रावा देसाई ने बचपन से ही अपने नाना जी के मुख से भागवत, रामायण, महाभारत की कथाएं सुनी थी। ऐसे बचपन से ही उनमें संस्कारिता के बीज बोए गए थे। उनको बचपन से ही किताबें पढ़ने का काफी शौक था, जो उसे अपने पिताजी की प्रकाशन संस्था स्कूल और पिताजी के प्रकाशन संस्था के पास वाली किताब की दुकान से मिल जाया करती थी। उन्होंने छठी कक्षा तक की शिक्षा शिनोर में पाई, बाद में वडोदरा आ गए। 1908 में वे मैट्रिक पास हुए। कॉलेज की पढ़ाई दरमियान वे मित्रों के साथ समाजवाद, विवाह जैसे विषयों पर चर्चा करते थे और व्याख्यान भी देते थे। कॉलेज दरमियान उन्होंने शुं करूं नामक काव्य की रचना की, जो कॉलेज के मुखपत्र में प्रकाशित हुई थी। बाद में निहारिका नामक काव्य संग्रह में समाविष्ट हुई। 1912 में उनका विवाह कैलाशवती के साथ हुआ। 1914 में अंग्रेजी विषय के साथ प्रथम वर्ग में बीए पास किया और 1916 में एमए की पदवी प्राप्त की। उनकी तमन्ना प्रोफेसर बनने की थी, परंतु एमए में वे प्रथम वर्ग नहीं पा सके। इस तरह प्रोफेसर बनने के अपने सपनों को पूरा नहीं कर सके, अतः उन्होंने शिक्षक के रूप में नौकरी की शुरुआत की। बाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम किया और रेवेन्यू कमिश्नर के पद से निवृत्त हुए। निवृत्ति के बाद जीवन के अंत तक साहित्य सर्जन और साहित्य संशोधन में ही अपना समय व्यतीत किया। उनकी दो संतानें थी, अक्षय और सुधा। डॉक्टर अक्षय देसाई विख्यात समाजशास्त्री थे। उनके लेखन की प्रवृत्ति की शुरुआत 1915 में सूरत में साहित्य परिषद के लिए लिखे गए नाटक संयुक्ता से हुई। बाद में उन्होंने महाराणा प्रताप और नाना फडणवीस जैसे चरित्र ग्रंथ लिखे, लेकिन उनके लेखन की असली पहचान 1925-26 में नव गुजरात समय में लिखी धारावाहिक उपन्यास ठग द्वारा हुई। ठग उपन्यास गुप्त राजकीय मंडलों के अभ्यास पर से लिखी गई थी। अपने अपनी 62 साल की आयु में 40 साल तक लेखन कार्य किया। इन 40 सालों में 27 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह, 2 काव्य संग्रह, 2 आत्मकथाएं, 1 निबंध संग्रह, 3 विवेचन, चिंतन और इतिहास ग्रंथ, 3 नाट्य संग्रह, 1 यात्रा संस्मरण, 7 एकांकी नाट्य संग्रह इत्यादि का सर्जन किया। जयंत नामक उपन्यास पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने वाला उनका प्रथम उपन्यास था और आंखें अंजन 1960 में मरणोपरांत प्रकाशित होने वाला आखिरी उपन्यास था। आपने नाटक, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, जीवन चरित्र, इतिहास एवं संस्कृति जैसे विषयों पर लिखा है, परंतु उपन्यासकार के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए। स्वराज प्राप्ति के पूर्व उनकी रचनाओं में जयंत, शीरीष, हृदय विभूति, पूर्णिमा, दिव्य चक्षु, भारेलोग्नि, ग्राम लक्ष्मी, कोकिला,
जैसे उपन्यासों को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। गांधीवाद का उन पर गहरा प्रभाव था। दिव्य चक्षु 1930 के सत्याग्रह द्वारा पूरे देश में व्याप्त गांधी जी के व्यक्तित्व, विचारधारा और कार्यक्रमों को निरूपित करता है। अहिंसात्मक प्रतिकार, अस्पृश्यता निवारण, समाज सेवा, स्वदेशी आंदोलन, स्त्री स्वातंत्र, पुलिस के अत्याचार और अंग्रेजी अमलदारों की जोहू कमी जैसे उन जमाने की वृत्त प्रवृत्तियों का दिव्य चक्षु में निरूपण है। तो ग्राम लक्ष्मी 1233 पेजेस में विस्तृत आदर्शवादी उपन्यास तत्कालीन भारत की दुर्दशा, पराधीनता और गांव की अवदशा को चित्रित करती है और ग्रामोद्धार की अनेक प्रवृत्ति द्वारा बदलते ग्राम जीवन की झांकी भी कराती है। बारेलोग्नि उपन्यास 1857 के स्वतंत्र संग्राम की पृष्ठभूमि में रुद्रदत्त के पात्र द्वारा उस समय की गांधी प्रेरित अहिंसा और शस्त्र त्याग की भावना प्रकट करती है। पूर्णिमा उपन्यास में समकालीन समाज के पात्रों और प्रसंगों का आलेखन है। गणिकाओं के जीवन पर संशोधित अप्सरा तथा गुनाहित मानस के अभ्यास पर से हृदय विभूति का सर्जन हुआ। तो बाला जोगन मीराबाई आधारित उपन्यास है। सुवर्ण रज चिंतन कणिकाओं का संग्रह है। निहारिका और श्रमणा आपके दो काव्य संग्रह है। गईकाल एवं मध्यान्ह मृगजल नामक आत्मकथाएं हैं। तो जाकल, पंकज, रसबिंदु, कांचन ने गेरू, दीवड़ी इत्यादि आपके कहानी संग्रह है। उपन्यास कोकिला और दिव्य चक्षु का अनुवाद हिंदी, मराठी एवं अन्य भाषाओं में भी हुआ है। तो कोकिला और पूर्णिमा पर से हिंदी में फिल्में भी बनी है। 1932 में आपको गुजराती साहित्य का उच्चतम अवार्ड रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक एनायत किया गया और उपन्यास दिव्य चक्षु के लिए हरगोविंद दास काटावाला पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1941 की गुजराती साहित्य परिषद में वे साहित्य विभाग के प्रमुख स्थान पर थे। मुंबई यूनिवर्सिटी के ठक्कर वसंजी व्याख्यान श्रृंखला में व्याख्यान के लिए आपको आमंत्रित किया गया था। तो 1952 में विश्व शांति परिषद में भारतीय शांति परिषद के प्रतिनिधि के रूप में वियना गए और वहां से रशिया का भी प्रवास किया। रवि देसाई एक आदर्श, निष्ठावान और प्रामाणिक व्यक्ति थे। उनके जीवन का एक प्रसंग इस बात की पूर्ति करता है। एक दिन श्री देसाई को मिलने एक सज्जन आए। देसाई ने उसका स्वागत किया और बातें करने लगे। समय होने पर भोजन लेने बैठे। भोजन में अन्य व्यंजनों के बाद अंत में चावल के स्थान पर मोटा दलिया परोसा गया। अतिथि ने चुपचाप खा तो लिया पर बाद में पूछ ही लिया कि आप इतने बड़े साहित्यकार हैं और इतने बड़े पद से निवृत्त हुए तो भी अच्छे चावल की व्यवस्था नहीं कर सकते। तब श्री देसाई ने हंसते हुए कहा कि भाई चावल का रेशनिंग है और रेशन में मिले चावल समाप्त हो गए। तब मेहमान ने कहा कि आप जैसी व्यक्ति को चावल की व्यवस्था करना क्या मुश्किल है। तब श्री देसाई ने कहा भाई मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ही ये मुश्किल है। मैं ऐसा अनैतिक काम नहीं कर सकता अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके अच्छे चावल मैं खाऊं और लोगों को समस्त गलत दृष्टांत पेश मैं नहीं कर सकता। ऐसे थे श्री रमणलाल वसंतलाल देसाई। वे अपनी लोकप्रियता के कारण
युग मूर्ति स्वभाव से सौजन्य मूर्ति और स्वजनों में भाई साहब से पहचाने जाते थे। पूरे जीवन काल में साहित्य में सत्वशील वैविध्यपूर्ण प्रदान करने वाले और सामाजिक क्षेत्र में एकनिष्ठ सेवा और मानवतापूर्ण व्यवहार करने वाले इस विद्वान विभूति का 20 सितंबर 1954 में हृदय बंद पड़ने के कारण निधन हुआ। शायद ही कोई गुजराती होगा जिसने अपनी पढ़ाई के दौरान अभ्यासक्रम में रवा देसाई की किसी न किसी रचना ना पढ़ी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आपने इतने टाइम पे खत्म कर दिया, वो आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये कि हमें आपके ऊपर नाज है, गर्व है कि आपने गुजराती लिटरेचर के इतने महान कवि को हमारे सामने हमसे पहचान कराई। और वाकई हमारे भारत में हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं है, बस उनको तलाश करके दुनिया के सामने रखने की जरूरत है। और सिर्फ एक बात ये याद रखें, हम गाड़ियों के पीछे ट्रक के पीछे लिख देने से मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, भारत महान नहीं हो जाएगा, बल्कि भारत महान था, भारत महान है और भारत महान रहेगा। मगर उसको, उसकी महानता को हमने अपनी बुराइयों से, हमने अपने बुरे कैरेक्टर से, हमने अपने गलत कामों से छुपा दिया है। हमें उसमें से उन लोगों को निकाल के लाना है जिन्होंने भारत को बाहर किया। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम इस लिटरेरी मीट के जरिए उन भाषाओं को सामने लाएं कि जो जिन भाषाओं के किताबों पर धूल जम गई है, लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, जिन भाषाओं के कवियों को, राइटर्स को लोगों ने भुला दिया है, हम उनको जिंदा करके सामने लेके आएंगे। यही हमारा मकसद है और इस मकसद को हम पूरा करते रहेंगे। और जब तक हम, हमारे अंदर ताकत है, हम अपने भारत रत्नों को बाहर दुनिया के लाएंगे। और मैं नहीं समझती कि आज मैंने 3 लोगों को बुलाया, वो भी फिर भी टाइम कम पड़ गया, तो अगर धीरे धीरे शायद ऐसा हो जाए कि 1 घंटे में हम एक ही आदमी को बुलाएं, ये भी हो सकता है। ये तो हमारी ट्राई वैली की जो कमेटी है वो तय करेगी कि नेक्स्ट टाइम हम 2 बुलाएं कि 3 बुलाएं या 4 बुलाएं। अब जैसे भी जो कमेटी तय करेगी हम उसी को करेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा हमने कोशिश की थी कि अच्छी तरह से हम प्रेजेंटेशन हो पाए, उसमें हम सक्सेसफुल हुए और पहले से बेटर प्रेजेंटेशन हुआ है। और तीनों ने बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने राइटर्स को पेश किया, हम कह भी नहीं सकते कि कौन अच्छा था कौन बुरा था। और बावजूद इसके कि हम डॉक्टर साहब की तब गला खराब था, लेकिन उन्होंने फिर भी इतने अच्छी तरह से समेट के अपने फिक्स टाइम के अंदर सब कुछ हमको बता दिया। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, कमल जी, मल्होत्रा जी एंड डॉक्टर ललित जी, आप सबका हम थैंक्स कहते हैं। और अगले महीने फिर किसी नए लोगों के साथ नए लैंग्वेज के ऊपर हम हाजिर होंगे। और जब तक के लिए अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो सिर्फ 5 मिनट में, क्योंकि हमारा प्रोग्राम शुरू भी देर से हुआ था, इसलिए हम 5 मिनट आपको देते हैं। अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो वेलकम। थैंक यू जेबा जी, आप सबको आपने जितना प्रयत्न किया और जो मंच दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सॉरी मैंने टाइम शायद ज्यादा लिया, लेकिन मेरा तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये समय इतने दिनों से मेहनत कर रही हूँ कि 17 मिनट तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वो 17 मिनट ऐसे ही निकल गए, कोई कविता पढ़ेगी नहीं वो। आप सॉरी, हमको भी नहीं पता चला कि आप कब तक बोली, हमको भी नहीं पता चला। हमारे तीनों लोग इतने अच्छे बोले कि हमें पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया। हम कह भी नहीं सकते कि कौन ज्यादा अच्छा था कौन कम था। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। धन्यवाद जेबा जी, जेबा जी थैंक यू वेरी मच। इट वाज एक एक करके बोलिए जिसको बोलना है। जेबा जी मैं गीता जी बोल रही हूँ जी, बोलिए। आपको जैसा आपको मालूम है और मुझको भी मालूम है, कितना सुंदर प्रोग्राम करती हैं आप, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आई लाइक इट, रियली आई लव इट, एंड कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा, बहुत सबने अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। ये जो प्रोग्राम है ये सब हमको इतना, जो आपने कहा कि जो लिटरेचर के ऊपर धूल जम गई है, तो वो लिटरेचर जब आपने बताते हैं तो वी फील लाइक कि ओके आई एम गोना डिग दिस एंड रीड इट, सो दिस इज सो गुड फॉर ऑल ऑफ अस। नॉट जीबा जी तो प्रेजेंटेशन के लिए इतने इतने बढ़िया
हमारे आईसीसी मेंबर्स को लेके आ रही हैं, जो कि वो लिटरेचर जो कि अभी आप जैसे कह रही हैं कि बिल्कुल ही यंग जनरेशन अभी पढ़ती नहीं है, अगर हम अपने घरों में लेकर आएंगे, हम पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी उन लिटरेचर्स को पढ़ेंगे. इट्स ब्यूटीफुल, रियली वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू वेरी मच. मैंने शुरू तो यही सोचा था और मैंने शुरू में कहा भी था कि बाद में हम 15 मिनट रखेंगे, लेकिन टाइम का आप ऐसे कीजिए, दो कर दीजिए. दिस इज आवर ओन प्रोग्राम, जितना चाहते हैं आप ही एक्सपर्ट हैं इसमें, देख के नहीं. मैंने इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि आपकी जो कमेटी है वो डिसाइड कर दे कि हम दो करें कि तीन करें या एक करें, जो कमेटी कमेटी से ज्यादा आप जो अध्यक्ष हैं आपको ज्यादा उसमें है, तो हम तो आपको whatever your recommendation is उसके साथ जाएंगे. तो मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट होगी कि आपको खुली छुट्टी है जेवा जी, कि आप अगर दो सोचते हैं तो दो करिए, because I think it makes lot of sense to have only two people and present it well. So I think you should. थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इतनी पावर दे दी कि मैं फैसला कर सकूं, वरना मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आपकी कमेटी डिसाइड करके मुझे बताए कि क्या करना है. थैंक यू वेरी मच. ट्राई कीजिए दो नेक्स्ट टाइम दो कीजिए, ताकि थोड़ा सा टाइम मिले उसके बाद बात करने का, सवाल पूछने का, एक्सप्लोर करने का थोड़ा सा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. तो नेक्स्ट टाइम आप लोग ये सोच के आइएगा कि इस बार ज्यादा अच्छा प्रोग्राम होगा, इससे भी बेटर प्रोग्राम होगा. जैसे कमल जी कुछ पोएट्री बताना चाहती थी, टाइम ही नहीं था. एक्चुअली साहित्यकार लेखक कवि इनका तो इतना खजाना होता है कि मैं वही कह रही थी 15 मिनट क्या 15 साल भी कम पढ़ेंगे, तो अगर उसमें टाइम ज्यादा हो. आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं, रसा स्वादन हम कर नहीं पाए बिल्कुल. आप सही कह रही हैं कि 15 मिनट, लेकिन ये देखिए हमने पहले 10 मिनट से शुरू किया था, 10 से हम 12 पे गए, 12 से 15 पे आए, 15 से. लेकिन ये कि इसीलिए मैंने आज ये सवाल आप लोगों के सामने रखा कि आप लोग अगर इजाजत आपने मुझे दे दी है, तो अब इंशाल्लाह इससे भी बेटर होगा और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इससे अच्छे से अच्छे चुन के